और इस बीच जयपुर से एक और बड़ी खबर सामने है, जहां पर शिक्षा विभाग से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आज जारी हो सकती है बड़े स्तर पर तबादला सूची। मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने संकेत दिए हैं। लंबे अरसे से शिक्षकों को तबादला सूची का इंतजार था और इसी के संकेत आज दे दिए गए हैं। लगातार जिस बात का इंतजार किया जा रहा था वो कहीं ना कहीं इंतजार अब पूरा होता हुआ यहां से नजर आता है। मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने संकेत इसके दे दिए हैं, यानी कि आज बड़े स्तर पर तबादला सूची जारी हो सकती है। शिक्षा विभाग से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लंबे अरसे से शिक्षकों को तबादला सूची का लगातार इंतजार था, शिक्षक लगातार इंतजार कर रहे थे और इसी को लेकर संकेत मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने दे दिए गए हैं। जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता ललित हमारे साथ फोनलाइन पर हैं। ललित, मंत्री डोटासरा ने निर्देश संकेत यहां से दे दिए हैं, क्या और जानकारी यहां से सामने आ रही है? बिल्कुल लवीना, लंबे समय से शिक्षा विभाग में तबादलों को लेकर जो इंतजार किया जा रहा है वो लगता है कि लगभग खत्म होने वाला है। आज किसी भी वक्त तबादला सूची है वह जारी की जा सकती है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने इसको लेकर संकेत दिए हैं। हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि सूची आज ही आएगी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि सूची किसी भी वक्त जारी हो जाएगी। ऐसे में बड़ी संख्या में तकरीबन 37,000 से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए थे, थर्ड ग्रेड को छोड़ दें तो। इसके अलावा अन्य सभी जो प्रिंसिपल हैं, लेक्चरर हैं, वरिष्ठ अध्यापक हैं, सेकेंड ग्रेड शिक्षक हैं, तो उनकी सूची जारी होने वाली है। तो संभावना ये जताई जा रही है कि आज देर रात या कल तक ये सूची जारी की जा सकती है। जी लवीना, बिल्कुल ललित, कहीं ना कहीं लंबे अरसे से इंतजार इसका किया जा रहा था। शिक्षकों को इससे निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा, क्योंकि बार बार इसी तरीके की खबरें सामने आ रही थी कि शिक्षकों की ओर से मांग इसकी लगातार की जा रही थी। जी बिल्कुल लवीना, शिक्षकों की ओर से लंबे समय से ये मांग की जा रही थी। जब आचार संहिता लगी उससे पहले ये सूची आनी थी, लेकिन आचार संहिता की वजह से सूची नहीं आ पाई थी, जिसके चलते तकरीबन 2 से 2.5 महीने का और विलंब हो गया। शिक्षक लगातार ये मांग कर रहे थे कि अब आचार संहिता हट चुकी है, ऐसे में सूची को जारी किया जाए। पिछले एक सप्ताह से बात करें तो लगभग सभी विभागों में सूचियां जो आ रही थी उसके चलते भी जो स्कूल शिक्षा है उसमें शिक्षकों की चिंताएं बढ़ती जा रही थी, कहीं दोबारा शेष बचे हुए चुनाव में उसके चलते आचार संहिता न लग जाए और सूचियां अटक न जाए। ऐसे में अब शिक्षा मंत्री ने संकेत दे दिए हैं और संभावना ये जताई जा रही है कि आज देर रात तक एक बड़ी सूची शिक्षा विभाग में जारी की जा सकती है। बिल्कुल ललित, यहाँ से जो जानकारी सामने है वो ये कि जो मंत्री डोटासरा हैं उनकी ओर से संकेत दे दिए गए हैं, लेकिन क्या माना जाए, कितना इंतजार इसको लेकर अभी करना होगा, क्या अभी और वक्त आज के अलावा लग सकता है? लवीना, अगर बात करें कि आज जो सूची को लेकर शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी और जितने भी स्टाफ है वो सूची को लेकर ही कार्य कर रहा है, तो ऐसे में सूची को अंतिम रूप दिया जा रहा है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से अंतिम मोहरी सूची पर लगा दी गई है और संभावना यह है कि आज रात तक ये सूची जारी हो सकती है। ठीक है ललित, लौटेंगे आपके पास अन्य खबर पर, आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस खबर के लिए, जानकारी देने के।